सोशल मीडिया पर एक दावा ऐसा है जो बार बार शेयर किया जाता है। यह दावा है खाने पीने से जुड़ा हुआ। लोग कहते हैं कि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र हाईवे पर जो मुस्लिम होटल हैं, वहां हिंदू ग्राहकों को खाने में नपुंसकता की गोली मिलाकर खिलाई जाती है। इसके साथ ही यह भी बताया जाता है कि हिंदुओं के खाने में नॉनवेज मिलाकर भी खिलाया जाता है, और साथ ही हिदायत भी दी गई है कि राजस्थान से आने वाले सभी बसों को मुस्लिम होटलों पर ठहरने से रोका जाना चाहिए। यह दावा सिर्फ राजस्थान के बारे में ही नहीं, कोयंबटूर के बारे में भी किया गया। आरडी सिंह और राजेश शर्मा नाम के ट्विटर यूजर्स ने ऐसे ट्वीट किए थे। यह दावा सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में ही नहीं, तमिल में भी शेयर किया गया है। कोयंबटूर मामले में तो खुद कोयंबटूर सिटी पुलिस ने ट्वीट करते हुए साफ किया था कि यह हैंडल फर्जी खबर फैला रहा है। ऑल्ट न्यूज ने वायरल हो रही तस्वीरों को गूगल, योंडेक्स और टेन आई पर रिवर्स इमेज सर्च किया और पाया कि इन तस्वीरों को रैंडम वेबसाइट से उठाया गया है। पहली तस्वीर एक फूड ब्लॉग स्ट्रीट फूड नाउ में शेयर की गई थी। पोस्ट में एक यूट्यूब वीडियो भी शेयर किया गया है जिसमें इस तस्वीर को थंबनेल बनाया गया था। यह वीडियो 30 जून 2019 को अपलोड किया गया था। दूसरी तस्वीर 2017 में @shoprest17 द्वारा ट्वीट किए गए वीडियो का सबसे पहला फ्रेम है। इस वीडियो को देखकर साफ मालूम चलता है कि बिरयानी के ऊपर अंडे रखे हुए हैं। तीसरी और चौथी तस्वीर आईबीसी तमिल नाम की वेबसाइट के 2019 के एक आर्टिकल से ली गई है। यह वेबसाइट श्रीलंका में रहने वाले तमिल प्रवासियों के बारे में खबर पब्लिश करती है। हमने जांच की तो हमें प्राइम न्यूज का एक आर्टिकल मिला जो इन तस्वीरों की असलियत बताता है। मालूम पड़ा कि पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स ने कोलंबो के गोदाम से काफी बड़ी मात्रा में सेक्सुअली स्टिमुलेटिंग पिल्स और अबॉर्शन पिल्स बरामद की थी। ये उसी कार्रवाई की तस्वीरें थी। पांचवी तस्वीर रॉयल्टी फ्री फोटो और स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट ड्रीम्स टाइम से ली गई है। छठी तस्वीर हमें बिजनौर पुलिस के 11 जुलाई 2019 के एक ट्वीट में मिली। इस ट्वीट में बिजनौर पुलिस ने बताया था कि थाना शेरकोट के किसी मदरसे से बिजनौर पुलिस ने 6 लोगों को अवैध हथियारों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस तस्वीर में अरेस्ट किए गए सभी 6 आरोपी दिखाई दे रहे हैं, यानी अलग अलग जगहों से तस्वीरें उठाकर एक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई कि हिंदुओं के खाने में नपुंसकता की दवाई मिलाई जा रही है, और कई जगहों के बारे में दावा करते हुए ये फर्जी जानकारी फैलाई गई कि मुस्लिम होटल हिंदुओं के धर्म और सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।